नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे कई सारे जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स अब सूख चुके हैं। इन्हें जो है मैं हटा रही हूँ। सारे जो आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे थे, कैलेंडुला के थे और वर्बिना, और इसमें जो है पिटूनिया के भी थे, लॉक्सपोर के थे, फ्लॉक्स और डॉग फ्लावर के, और इसमें एस्टर के भी थे। आप देख सकते हो बिगोनिया और जो गजानिया है वो अच्छी फ्लावरिंग करे, तो उन्हें मैंने इस साइड रख दिया था। और वर्बिना भी जो है अभी थोड़ा थोड़ा ये सूखने लगे, इन्होंने भी अभी फ्लावरिंग कम कर दी, तो इन्हें भी मैंने थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दिया। और देखिए कैलेंडुला भी, इनकी भी जो फ्लावरिंग है अब बहुत ज़्यादा कम हो गई, इनके फ्लावर्स मैंने रहने दिए। और ये देखिए डहेलिया भी अभी पूरी तरह से सूख गए हैं, तो ये कैलेंडुला का अभी जो है मैं सीड्स अब कलेक्ट करूँगी, उनके लिए इसमें मैंने रखा है। और सेल्विया भी अभी थोड़ा अच्छी कंडीशन में है, और पिटूनिया तो सारी ही ख़राब हो चुकी है। देखिए ये भी अभी ख़राब होने के कगार पे है, और पिटूनिया भी अभी मार्च एंड में सारे जो प्लांट्स थे ख़राब हो गए। देखिए पैंजी का भी ये हैंगिंग बास्केट, ये भी अपने आप ही ये ख़राब हो गया। जैसे ही गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ने लगी तो ये सारे जो प्लांट्स हैं अपने आप ही ये सूखने लगे हैं। तो इसमें काफ़ी सारे जो थे डहेलिया के थे, कुछ शेवंती के थे, और भी कई सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स है। और देखिए ये सारे जो है समर फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इन्हें जो है मैंने सीड से ग्रो किया था। इसका वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया था किस तरह से ग्रो किया जाता है, इसका अपडेट वीडियो भी। तो इन्हें जो है मैं इसमें से जितने भी जो प्लांट है जो रिपोर्ट करने लायक हो गए, तो उनको जो है मैं आज रिपोर्ट करूँगी। जो अभी मैंने शॉपिंग करी थी गर्मियों की, तो उसके जो प्लांट्स मैंने आपसे शेयर किए थे, जैसे ये मोगरा का है और ये पोचलो का मॉसरोस, तो इन्हें जो है मैं अभी हैंगिंग बास्केट में इन्हें लगा दूंगी। तो ये सारे जो नए पौधे मैं अभी अपने गार्डन में ऐड करने जा रही हूँ। और देखिए ये इनपेशेंट के ये सारे जो प्लांट्स हैं अभी ये भी ख़राब होने लगे धीरे धीरे। इनको मैंने जो है अभी शेडी एरिया में रख दिया है, और विंटर में तो इन्होंने इतनी बढ़िया फ्लावरिंग करी है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करी है। अब जैसे ही धूप तेज़ हो गई है वैसे ये सारे जो प्लांट्स हैं ख़राब होने लगे, कुछ एक दो प्लांट्स अच्छे। यहाँ पर जो है मैंने 60% गार्डन सॉइल, 20% मैंने इसमें खाद लिया है। खाद में मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट और काउडंग दोनों को बराबर मात्रा में लेकर मिला दिया है, और 10% इसमें मैंने सैंड और 10% कोकोपीट। तो कोकोपीट मैंने यहाँ पर इसलिए भी मिलाया क्योंकि अभी गर्मियों के दिन हैं, तो हमारी जो पॉटिंग सॉइल है थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे, और यहाँ पे मैंने कंपोस्ट की मात्रा बहुत कम रखी है क्योंकि अभी गर्मियों के दिन हैं, तो बहुत ज़्यादा भी हम इसमें जो है काउडंग का उपयोग नहीं करेंगे। वर्मी कंपोस्ट वैसे थोड़ा ठंडा खाद होता है, तो इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मेरे पास में ज़्यादा नहीं था, तो दोनों को मैंने आधा आधा करके मिला दिया है। यहाँ पर जो है मैंने मॉस रोज लिया है, और रेड कलर का है ये, तो इसे मैं हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। ये सारे जो हैंगिंग बास्केट है ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के थे, जिन्हें अभी मैंने खाली कर दिया, उन सबको जो है हटा दिया, वो सारे जो है सूख गए थे। तो इस तरह से थोड़ी सी जो है मैं इनकी मिट्टी हटा दे रही हूँ क्योंकि उसमें वो पॉट में आ नहीं रहे थे, तो इस तरह से। और जो मैंने पॉटिंग सॉइल जो हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार की, इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा राइस हस्क को मिला दिया था और कोकोपीट को, ताकि जो पॉटिंग सॉइल है थोड़ी लाइट वेट हो जाए। तो इस तरह से मैंने इनमें थोड़ा सा इनको ज़्यादा मिला दिया था। पॉट में अगर लगाते हैं तो हम इनकी मात्रा कम कम भी रखते हैं तो चल जाता है, पर जब हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं थोड़ा लाइट वेट हमारी जो पॉटिंग सॉइल है वो होनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने राइस हस्क को और कोकोपीट को थोड़ा ज़्यादा इसमें मैंने मिला दिया था। और देखिए यहाँ पर जो मैंने एक और मॉस रोज लिया था, जिसके फ्लावर साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, मैंने आपसे शेयर भी किया था। इसकी जो पत्तियाँ देखें वो भी कितनी बड़ी बड़ी सी हैं। तो इस तरह से जो है मैंने पोचलो का मॉस रोज को मैंने हैंगिंग बास्केट में रिपोर्ट कर दिया था, और मोगरे के प्लांट को भी मैंने देखिए इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया था। ये भी प्लांट काफ़ी दिनों से रखा ही था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज जो है मैंने इनकी सभी की जो है रिपोर्टिंग कर दी, और काफ़ी सारे जो है मैंने गमले खाली कर दिए। इनकी मिट्टी देखिए यहाँ पर मैंने पटक दी, और जो सारी जो ये मिट्टी है, मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि आप मिट्टी कहाँ से लाते हो, तो ये जो सारी मिट्टी है जो अभी विंटर फ्लावरिंग जो प्लांट्स मैंने लगाए थे वो पॉट में, तो उनकी मिट्टी को मैंने एक दो दिन जो है मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया था। उनको मैंने पूरा जो है वो डिसइंफेक्टेड कर दिया था, और उसके बाद में उसमें मैंने खाद मिला के उसमें पानी, थोड़ा सा पानी ऐसे मैंने डाल के रख दिया था, और वही जो पॉटिंग सॉइल है मैं यहाँ पर उसको उसी मिट्टी को मैं ले रही हूँ दोबारा से। और देखिए ये जो प्लांट है ये सेलोसिया के प्लांट है, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए, और इनमें जो है फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। और मैंने जो है एक ही कप में मैंने बहुत सारे जो है सीड डाल दिए थे, और इतने ज़्यादा जो है ये प्लांट एक दूसरे में
ऐसे गूंथ गए थे, तो उन्हें मैंने निकालने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई। इनके रूट्स एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा फंस गए थे। धीरे धीरे से जो है मैंने इनको निकाला है। हम जब भी जैसे सीडलिंग करते हैं तो उन्हें एक या दो सीड जैसे हमें डालना चाहिए एक कप में, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। निकालते टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए मैंने इस तरह से इनको मैंने बचा के इनको निकाला है, इस तरह से लगा दिया। मैंने पानी भी दे दिया, मोगरे को भी मैंने लगा दिया। देखिए दो कप मेरे तैयार हो गए। तो देखिए दूसरे में भी धीरे धीरे से निकालते जा रही हूँ। और इनको रिपोर्ट करना ज़रूरी था क्योंकि इनकी जो नीचे की पत्तियाँ हैं वो सूखने लगी थी। और आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे ये प्लांट्स हैं, फिर भी जो है मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया। अगर नहीं करती तो सारे जो मेरे प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते। इनको जो है मैंने अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है। और अभी पानी दे के हम इन्हें जो है 7 से 8 दिन टोटल शेड एरिया में रख देंगे, फिर हम इन्हें पार्शियल शेड में रख देंगे। यहाँ पर जो है मैं सनफ्लावर के प्लांट्स लगाने जा रही हूँ। ये मिनीएचर सनफ्लावर है और कुछ इसमें टेडी बियर सनफ्लावर के भी प्लांट्स अच्छे से, और टाइथोनिया के भी प्लांट्स थे। उसमें बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। कुछ जीनिया लिलीपुट है, जीनिया डहलिया, सारे जो है अभी रिपोर्टिंग के लिए तैयार रेडी हो गए थे। तो इनके जो है मैं अभी रिपोर्ट कर रही हूँ। और अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं, तब मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है और हम मॉर्निंग में भी रिपोर्ट करते हैं तो दिन भर की जो है गर्मी में ये प्लांट जो है झुलस जाते हैं। अगर हम शाम के टाइम पे रिपोर्टिंग करते हैं तो रात भर की जो है इन्हें ठंडक मिल जाती है, तो सुबह तक जो ये प्लांट है बहुत ही रिफ़्रेश हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी शॉक में भी नहीं रहते, सुबह के टाइम पर एकदम फ्रेश फ्रेश दिखते हैं। और इन्हें जो है हम टोटल शेड एरिया में रख देंगे, ऐसी जगह पे जहाँ ब्राइट लाइट हो पर सनलाइट बिल्कुल भी ना आए। मैंने यहाँ ऐसी जगह पे रखा है यहाँ पर ब्राइट लाइट आती है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। आती भी है तो इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और आप देख सकते हो कितने फ्रेश फ्रेश और कितने अच्छे से ये प्लांट्स लग रहे हैं, बिल्कुल भी मुरझाए से नहीं लग रहे हैं। और शाम के टाइम पे हम करते हैं तो नेक्स्ट डे जो प्लांट है, देख ये टिथुनिया में देखिए यहाँ पर इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। और मैंने मोगरे को भी बढ़िया से रिपोर्ट कर दिया था और ये पोचलुका की भी बास्केट तैयार कर दी थी, कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर मैंने जीनिया लिलीपुट, जीनिया डहेलिया के भी प्लांट्स को एक साथ ही मैंने 4-5 एक ही पॉट में लगा दिए थे। अभी काफ़ी सारे जो है प्लांट्स बचे। मॉर्निंग ग्लोरी को भी मैंने सीड से ग्रो किया था, इसे भी रिपोर्ट करना बाकी है। कुछ मैंने कटिंग्स भी ग्रो कर थी। बालसम भी मैंने ग्रो किया था सीड से, इनको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया। कुछ में अभी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, कलियाँ भी बन रही है। और कुछ अभी ढेर सारे जो है प्लांट्स बचे हैं, इन्हें भी थोड़े ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें भी रिपोर्ट करना है। तो ये थे वो सारे प्लांट और जिन्हें मैंने अभी ऐड किया है अपने गार्डन में, और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उन्हें मैंने अभी हटा दिया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।